डोईवाला में प्रशासन से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण सड़क मार्ग पर एक अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। धान की रोपाई कर विभाग को आईना दिखाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता कुड़कावाला के मुख्य मार्ग पर जल भराव की गई विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं और ये पानी भरा हुआ सड़क पर गड्ढे हैं और उसी गड्ढों में रोपाई करते कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ एक अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए धान की रोपाई सड़क पर कर डाली। ज्यादा परेशानी की, किसी के पास कार है तो वो निकल जाएगा और नहीं तो आप देखेंगे आदमी को चप्पल हाथ में पकड़ के तब वहां से पानी उस पानी से निकलना पड़ रहा है क्योंकि वो पानी बहुत गंदा और बहुत ज्यादा भरा हुआ है। देखो बरसात का समय है, इस टाइम पे सरकार को गड्ढे भरने चाहिए। मुख्यमंत्री की विधानसभा का अगर ये हाल है तो आप लगा सकते हो कि पूरे उत्तराखंड का कितना बुरा हाल होगा, जो कि आज आप इन खड्डों के माध्यम से पता लगा सकते हो कितना बुरा हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, ये आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। अगर ये वो उदाहरण प्रस्तुत करते अच्छे कार्यों का तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है इनमें और इसे सड़क जो है कम से कम 10,000 आबादी के क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है डोईवाला नगर से। तो हमने आज इस गड्ढे में पौध लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की है प्रशासन को और सरकार को, सोई हुई सरकार को, कि वो इसको संज्ञान लें और नहीं अगर वो सड़क बना पाने में सक्षम है तो फिलहाल इसमें मिट्टी बजरी कुछ डलवा के इस गड्ढे को भरने का काम करें ताकि पब्लिक को असुविधा ना हो।